हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग और क्या हाल चाल और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। मेरा नाम बायो अमन है और आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस बेहतरीन और शानदार बायोलॉजी के फुल्ली एपिसोड में। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग फाइनली पढ़ेंगे एडॉप्टिव रेडिएशन को समझेंगे। ठीक है, तो देखते हैं एडॉप्टिव रेडिएशन क्या होती है। सबसे पहले इस चीज़ को हम देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं? एडॉप्टिव रेडिएशन, कुछ लोग बोलेंगे आया पढ़ाते हैं, पढ़ा नहीं लगा, है ना? तो और कुछ बता देता हूँ आप लोग को। ठीक है, देखो पता है, और जो वीडियोस है ना वो आपको सभी प्लेलिस्ट पर मिलेंगे। ठीक है, जैसे आप क्लास ट्वेल्थ में हैं, क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है तो वो प्लेलिस्ट पर वीडियोस पढ़े हैं, 150-200 वीडियोस वहाँ पर पढ़े हैं। ठीक है, जितने टॉपिक आप बायोलॉजी में सोच सकते हैं, जितने टॉपिक बायोलॉजी में क्लास ट्वेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी पर वीडियोस बने पड़े रखे हुए हैं वहाँ पर। ठीक है, स्पेशली आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को करना क्या है, वो प्लेलिस्ट जा करके चेक करना है। ठीक है, वहां पर इतने झोला भर वीडियोस हैं, एक दो नहीं है, झोला भर वीडियोस हैं। ठीक है, सब आप लोग के लिए बना के रखा, डन। चलिए, तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे एडॉप्टिव रेडिएशन। ठीक है, एडॉप्टिव रेडिएशन होता क्या है? देखो नाम, देखो पहले इसके नाम में क्या है, नाम में है एडॉप्टिव। एडॉप्टिव मतलब क्या करना, किसी चीज को एडॉप्ट कर लेना। ठीक है, देखो बिल्कुल सिंपल है, एकदम सिंपल, समझ गए समझ गए। देखो मान लेते हैं ये भौगोलिक क्षेत्र ए है। ठीक है, ए भौगोलिक क्षेत्र है, एक दूसरा भौगोलिक क्षेत्र है बी। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक मान लेते हैं एक जीव था। ठीक है, क्या था, यहां पर एक जीव था। अब वो जीव यहां से दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में आया। ठीक है, तो पहले यहां पर वो क्या खाता था, मान लेते हैं हम, बिल्कुल आपको समझाने के लिए, पहले यहां पर खाता था वो आम। ठीक है, मजा आती थी इस जीव के, इस पूरे जीव के खानदान को भी मजा आती थी, आम खाते थे, मस्ती करते थे, है ना? लेकिन जब कुछ जीव यहां पर बी भौगोलिक क्षेत्र पर पहुंचे तो यहां पर इनको आम तो मिला नहीं, यहां पर इनको मिल गई प्यारे बच्चों इमली, है ना? ये समझाने के लिए है, ठीक है, एग्जाम्पल नहीं है ये, इनको मिल गई इमली। तो जब ये आम को खा रहा था तब इसकी चोंच कैसी थी, बिल्कुल मीठी थी, बिल्कुल प्यारी थी, बिल्कुल खूबसूरत थी। लेकिन जब इसने इमली को खाया, इमली के बीज को खाया, तो उसके बीज को तोड़ने के लिए इनकी चोंच क्या हुई, थोड़ा सा वो हुई, बताओ, थोड़ा सा नुकीली होना पड़ा। इमली का बीज जब शुरू शुरू गए थे, इमली को खाते थे, इनकी चोंचें टूट जाती थी, ऐसे पिचक जाती थी, है ना, ऐसे वो मुड़ जाती थी। तो धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, एक लक्षण को, ठीक है, एक लक्षण को क्या किया, एडॉप्ट किया। ठीक है, क्या किया, एक लक्षण को एडॉप्ट किया। ठीक है, एक लक्षण को इन्होंने धीरे धीरे लिया, और वो क्या लिया कि जो इनकी चोंच थी, क्या थी, जो इनकी चोंच थी उसके चोंच में इन्होंने बदलाव किया, बदलाव किया। ठीक है, अगर नहीं करते तो मर जाते। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं एडॉप्टिव रेडिएशन। ठीक है, देखो एडॉप्टिव रेडिएशन का सबसे बड़ा और सबसे प्यारा एग्जाम्पल है आपका डार्विन की फिंचेस। ठीक है, देखिए जो एडॉप्टिव रेडिएशन है आपका, क्या है, जो एडॉप्टिव रेडिएशन है ना, अनुकूली विकिरण इसको हिंदी में बोलते हैं, है ना, अनुकूली विकिरण। ठीक है, अनुकूली विकिरण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका क्या, वो है डार्विन की फिंचेस, है ना, क्या है, डार्विन की फिंचे। ठीक है, ठीक है, बताइए क्या है, डार्विन फिंचेस, अनुकूली विकिरण का ये एक आपका एग्जाम्पल है, क्या है, डार्विन की फिंचे। डार्विन की फिंचे में, डार्विन को आपको पता है ना, डार्विन जो थे वो एमएचएस बीगल, इनकी जहाज का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, एमएचएस बीगल। ठीक है, तो एमएचएस बीगल नामक जहाज पर डार्विन क्या किए थे,
जो है सैर कर रहे थे, अनेक द्वीप गए। तो ये जब गए गैलोपोगस द्वीप में, कहाँ पर, इंपॉर्टेंट है ये नाम भी, कौन सा, गैलोपोगस द्वीप में, ठीक है। तो गैलोपोगस द्वीप में इनको क्या देखने को मिली, इनको अलग अलग जी, अब वो जो है एक काली चिड़िया देखने को मिली, क्या देखने को मिली, काली चिड़िया। लेकिन उस काली चिड़िया में उनको सभी चिड़ियों में भिन्नताएं देखने को मिली, क्योंकि उनकी चोंच अलग अलग थी, ठीक है। जब वो गैलोपोगस द्वीप में गए तो वहां पर उनको जो काली चिड़िया मिली, उनकी चोंच क्या थी, अलग अलग थी, उनकी चोंच में उन्होंने भिन्नताएं देखा। जब डार्विन ने ये सब चीजें देखा तो ये चीज देख के बताया कि लगता है यहां पर खाने की कमी हुई होगी, ठीक है। यानी कि जो फिंचे हैं, जो चिड़िया है, पहले वो छोटे छोटे बीज खाया करती थी, वो बीज की कमी होने के कारण कुछ चिड़िया बीज खाती थी, कुछ चिड़िया दूसरा खाना खाने लगी, ठीक है। यानी कि क्या बोला कि जैसा उन्होंने खाना खाया वैसा उनकी चोंच बनी, ठीक है। जैसे उन्होंने फूड को लिया, ठीक है, वैसे ही उनकी चोंच हो गई, ठीक है। ये डार्विन साहब बताते हैं, ठीक है। ये क्या बताते हैं कि जैसा उन्होंने खाना को खाया, जैसा उन्होंने फूड को लिया, वैसी ही उनकी चोंच हो गई, है ना। ये बड़ी मतलब खतरनाक बात है। यहां पे हमने क्या देखा, चोंच इसकी खाने के अकॉर्डिंग बदल गई, ठीक है। तो ये भौगोलिक क्षेत्र के अंतर भी आता है, और अगर यहां ना जा करके यहां भी रहता, ठीक है, यहां भी रहता और आम की जगह कुछ चिड़िया, कुछ जो है फिंचे आम खाती, कुछ यहीं से इमली खाने लगती, इसी की इमली, ठीक है, कुछ कीट खाने लगती, ठीक है, तो ये सब की चोंच अलग अलग हो जाती, तीनों की चोंच अलग हो गई, ठीक है, तीनों की चोंच अलग हो गई, डन। यहाँ पे इसका सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन आप लोगों के लिए एग्जांपल है, ये देखो कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। कॉमन एंसेस्टर मतलब ये जीव है यहीं से सारी फिंचों का निर्माण हुआ है, इसका पूर्वज है ये, ठीक है, कॉमन एंसेस्टर है ये। और एग्जांपल किसका है, एडॉप्टिव रेडिएशन का, किसका, एडॉप्टिव रेडिएशन, अनुकूली विकिरण का, ठीक है। इन्होंने क्या किया, लक्षण को एडॉप्ट किया, प्यारे बच्चों समझो इस बात को, ठीक है, लक्षण को एडॉप्ट किया। जैसे अभी तक मैं प्रयागराज में था, अपना एग्जाम्पल देता, तो वहां पे मैं अपने अकॉर्डिंग मेरे लक्षण थे, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग अपने लक्षण थे वहां पे, कि मेरे को जो है ऑफिस जाना है तो बाइक से जाना है, थोड़ा थोड़ा ही दूर है मेरा ऑफिस, है ना, मात्र 100 मीटर पे, है ना। इसके बाद अगर मेरे को सिविल लाइंस की तरफ जाना है, और कहीं पर जाना है, तो कार से जाना है, सिविल लाइंस जाना है, स्पेशली ये चीज़ खानी है मेरे को, ये नहीं खानी है, शाम को 5 बजते ही मेरे को जूस चाहिए, 6 बजते ये खाना है, सुबह मॉर्निंग में ये खाना है, वो सारे लक्षण मेरे पास थे, ठीक है। और अभी कुछ दिन से मैं बाहर हूँ, जब मैं बाहर आया ना, तो जब मैं वहां से आया तो जहां पर हूं अभी, यहां के अकॉर्डिंग मुझे लक्षण एडॉप्ट करने पड़े, ठीक है। कुछ दिन तो मेरे को समझ ही नहीं आया कि भाई करना क्या है, फिर जब धीरे धीरे रहा, फिर समझा, फिर धीरे धीरे करके शुरू हो गया। अब उसी तरह जहां पहले रहता था उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, लेकिन किसी दूसरी तरीके से हो रहा है, यानी कि अब यहाँ के लक्षण को, यहाँ के इन्वायरमेंट को और अपने को इसके हिसाब से मैंने बदल लिया, ठीक है, एडॉप्ट कर लिया। यही होता है अनुकूली विकरण, ठीक है। भाई मेरी चोंच नहीं बदल गई कि मैं वहां से आया मेरी चोंच बड़ी हो गई, वहां से आया मेरे कान बड़े हो गए, नाक बड़ी हो गई है, कि मैं और कुछ सीख गया, ये सब कुछ भी नहीं हुआ भाई, ये सब कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। बस मैं कॉमन बात कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ के लक्षण को एडॉप्ट किया, ठीक है। अगर नहीं करता तो बीमार हो जाता, ठीक है, और अगर इन लोगों के हिसाब से देखें, अगर और नहीं करता तो मर भी जाता, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो ये देखो इसका क्या है, कॉमन एंसेस्टर है, और इसी कॉमन एंसेस्टर से कुछ जो है फिंचे थी वो सीड खाने लगी, वो बीज खाने लगी, उनकी चोंच क्या हो गई, थोड़ा सा बड़ी हो गई, ठीक है, लार्ज ग्राउंड फिंच, ठीक है, इसका नाम है लार्ज ग्राउंड फिंच, ठीक है। इसके बाद कुछ फिंचे क्या हुई, कॉकटाई खाने लगी, कुछ पौधे को खाने लगी, ठीक है, जो कैक्टस का जो पौधा है उसको खाने लगी, तो उनकी फिंच बदल गई। फिर कुछ फिंच क्या करी, जिनको बोलते हैं ग्रीन वल्बर फिंच, वो इंसेक्ट को खाने लगी, इसको इंसेक्ट को खाने लगी, कीड़े मकोड़े को खाने लगी, तो उनकी चोंच हल्का सा छोटी और बेहद नुकीली हो गई, ठीक है। ये था आपका एग्जाम्पल किसका,
एडॉप्टिव रेडिएशन का। बोलिए समझ में आया, बोलिए जल्दी से। यानी कि एक चीज समझ लो कि जैसा खाना खाएगा वैसा उसकी चोंच हो जाएगी। याद रखना, जैसे लोगों के साथ रहोगे, ठीक है, आप जैसे लोगों के साथ रहोगे बिल्कुल वैसे ही हो जाओगे। इसलिए अपनी संगति को जरूर बदल लो, ठीक है। अपने आसपास देखो कि तुम्हारे आसपास कौन से लोग हैं। अगर बेहतर लोग हैं तो उनके साथ रहो, और अगर नहीं है तो बेहतर है कि खुद के साथ रहो, अकेले रहो, खुद को जानो, खुद को समझो और आगे बढ़ो, ठीक है। खराब लोगों के साथ नहीं रहना भाई, नहीं रहना, समझ रहे हो ना, नहीं तो चोंच बदल जाएगी भाई, चोंच बदल जाएगी, देख लो भाई, चोंच बदल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा, ठीक है, खराब लोगों के साथ रहो तो चोंच तो नहीं बदलेगी लेकिन आपका जीवन बदल जाएगा, ठीक है। क्या होगा, जीवन बदल जाएगा, वैसे ही चला जाएगा, डन डन। यहाँ पे देखो, जैसे ये है एंसेस्टर फिंच, कॉमन एंसेस्टर हमने देखा, ठीक है। ये इंसेक्ट को खा रही थी, देखो इसकी चोंच लंबी हो गई और नुकीली हो गई। किसको खा रही थी बच्चों, इंसेक्ट को खा रही थी, ठीक है। इसके बाद ये क्या कर रही थी, ये वुड पैकर टाइप की थी, ये इंसेक्ट को खाती थी, ठीक है। वुड पैकर लकड़ी वकड़ी को भी खाती थी, ये सीड का ईट करती थी, सीड को खाती थी। इसकी चोंच छोटी हो गई और बड़ी हो गई, थोड़ा सा मोटी हो गई, ठीक है। ये है आपका एडॉप्टिव रेडिएशन, ठीक है। बोलिए क्लियर है। एडॉप्टिव रेडिएशन का आपका एग्जाम्पल है एक और, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। क्या है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल में क्या था कि इनके पास पशुधानी थी, ठीक है, एक के पास पशुधानी थी और इन सब में रेडियो जो है एडॉप्टिव रेडिएशन हुआ, जिसके कारण ये अलग अलग जातियां बन गई, लेकिन सभी के पास पशुधानी है। क्या है, सभी के पास पशुधानी है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है आपका प्लेसेंटल एनिमल, ठीक है, इसी एडॉप्टिव रेडिएशन का ही एग्जांपल है। क्या है, प्लेसेंटल एनिमल, ठीक है, अपरा स्तनधारी, ठीक है, जिनके पास प्लेसेंटा पाया गया है, ठीक है। इन लोग के पास क्या पाया गया, इन लोग के पास प्लेसेंटा पाया गया है, जिसको बोलते हैं अपरा पाया गया है, ठीक है। ये था बच्चों आपका एडॉप्टिव रेडिएशन के एग्जाम्पल, ठीक है। तीन एग्जाम्पल हैं एडॉप्टिव रेडिएशन के, क्या क्या, एक दो तीन, इसको बोलते हैं डार्विन फिंचेस, ठीक है। और एडॉप्टिव रेडिएशन में, ठीक है, कौन सा विकास होता है, एडॉप्टिव रेडिएशन जिसमें होता है उसमें अपसारी विकास होता है। कौन सा विकास, अपसारी विकास, ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है, ठीक है। एडॉप्टिव रेडिएशन में कौन सा अगर विकास देखा जाए तो वो बच्चों होता है आपका अपसारी विकास, ठीक है। बोलो, सॉरी 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 सॉरी, अपसारी नहीं है यार, अभिसारी है ना, अभिसारी विकास, अभिसारी विकास, डन। चलो आगे देखते हैं, तो ये हमने देख लिया। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आपको पता है, नहीं पता तो हम बता देते हैं, इसके बाद जैव विकास के लिए, ठीक है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में दो वैज्ञानिक और आते हैं, ठीक है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में क्या होते हैं, दो वैज्ञानिक और आते हैं। कौन कौन आते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। पहला जिसको बोलते हैं लैमार्क साहब, ठीक है, दूसरा जिसको बोलते हैं डार्विन साहब। तो देखो यहीं पर समझ लो, यहीं पर समझ लो, ठीक है। लैमार्कवाद, लैमार्क ने अपना जो मत दिया, अपना जो बताया, उसको आज हम लोग लैमार्कवाद के नाम से जानते हैं, ठीक है। लैमार्क ने बताया क्या, लैमार्क ने, सबसे बड़ी बात होती है कि भाई लैमार्क जो थे, ये हमारे इनका चित्र बना देते हैं, ये हैं लैमार्क, ठीक है, और ये हैं अपने डार्विन, ठीक है, बिल्कुल पतलू से MHS बीगल में घूम रहे थे ये, ठीक है। तो जो लैमार्क साहब थे, उन्होंने क्या दिया, उन्होंने बताया कि अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग का सिद्धांत उनका बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या दिया, उनका एक सिद्धांत है क्या, अंगों के
उपयोग एवं अनुपयोग, ठीक है। ये सिद्धांत किसने दिया? तो ये सिद्धांत लैमार्क ने दिया, ठीक है। तो अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग में लैमार्क ने बताया क्या सबसे बड़ी बात होती है, हमें इस चीज को समझना। तो इनका एग्जाम्पल था वो प्यारा जिराफ, ठीक है। क्या एग्जाम्पल था? वो प्यारा जिराफ एग्जाम्पल था। ठीक है, इनका एग्जाम्पल था, उदाहरण इनका क्या था? जिराफ की गर्दन। तो लैमार्क ने क्या बताया? देखो, लैमार्क वाद अगर हम देखें तो यहां पर हम देख सकते हैं जिराफ का एग्जाम्पल, लैमार्क वाद, डन। हो भाई, देखो देखो देखो, ध्यान से देखिए इस चीज को, ये देखिए, ठीक है। गूगल में आपने सर्च किया ना लैमार्क वाद, देख लो भाई, देख लो, वीडियो आ गया ना, वीडियो आ गया ना। तो आपको जब भी कभी यूट्यूब पर वीडियो सर्च करना है बायोलॉजी के, तो आपको गूगल पे डालना है लैमार्क वाद बाई बायो अमन भैया, ठीक है, या फिर बायो अमन भी डाल देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। डार्विन वाद बाई बायो अमन, देख लो लैमार्क और डार्विन वाद, कितने बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाया है बहुत पहले ही, ठीक है। इसलिए सभी बच्चे आज से प्रॉमिस करो मेरे से कि ऐसे ही वीडियोस को सर्च करोगे तभी ना आपको मिलेंगे, ठीक है। यार आया ही नहीं, लैमार्कवाद क्या है? देखो जैसे ये आ गया, इसमें आपको दिखाते हैं, ठीक है, ये देखो। तो जैसे मैं आपको सबसे पहले यहां पर बता दूं, लैमार्क ने क्या बताया, लैमार्कवाद क्या है, कि लैमार्क के अनुसार जिराफ के पूर्वजों की गर्दन सामान्य लंबाई की थी। लैमार्क ने जो जिराफ का एग्जाम्पल दिया उसमें बताया कि जो जिराफ के पूर्वज थे, ठीक है, जिराफ के जो पूर्व पहले वाले जो वो थे ना, दादा परदादा के, दादा के दादा के, है ना, वंशज जो होते ना, पूर्वज, है ना, पूर्वज वो थे, उनकी गर्दन क्या थी? सामान्य थी। क्या थी? सामान्य थी, ठीक है, क्योंकि इन्हें तत्कालीन वातावरण में घास फूस सहज उपलब्ध होती थी, ठीक है। इन्होंने बताया कि जो वहां का वातावरण था, घास थी तो इनकी गर्दन छोटी थी, सामान्य थी, ये अपना घास वास ऐसे खाते रहते थे नीचे, ठीक है, खाते रहते थे। अब देखो क्या बताया इन्होंने, अब बताया कि कालांतर में वातावरण शुष्क हो जाने के कारण इन्हें ऊंचे वृक्षों की पत्तियां खाने के लिए गर्दन को खींचकर प्रयोग करना पड़ा। इन्होंने क्या बताया? अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग। तो ध्यान से समझना कि बताया कि घास खत्म हो गई, घास खत्म हो गई, तो अब ये वो जो है जिराफ खाएगा क्या? जिराफ खाएगा क्या? तो जिराफ खाएगा ऊपर पेड़ की टहनी। तो उसने क्या किया, अपनी गर्दन को, ये जो उसका नेक था, उसकी गर्दन को ऐसे उचक उचक के, अपनी गर्दन और आगे वाले टांग उचक उचक के पत्तियों को खाने लगा। जब वो उचक उचक के पत्तियों को खाने लगा, तब क्या देखा गया? तब देखा गया कि जब धीरे धीरे उसके जो है जातियां आगे बढ़ी, धीरे धीरे वो उसने अपना जो है आगे बढ़ा, तो धीरे धीरे करके अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग से, ठीक है, इसने क्या किया, अंगों का उपयोग किया, गर्दन का, टांग का, तो उसमें क्या हो गया, उसमें विकास हो गया और उसकी गर्दन और टांग लंबी हो गई, ठीक है, उसकी गर्दन और टांग लंबी हो गई, ठीक है। निरंतर गर्दन को ऊंचाई की ओर खींचकर प्रयोग करने के कारण गर्दन की लंबाई धीरे धीरे बढ़ती गई। गर्दन की लंबाई क्या हुई? तो गर्दन की लंबाई धीरे धीरे बढ़ती गई। फिर देखिए, गर्दन की बढ़ती हुई लंबाई एक उपार्जित लक्षण है, एक उपार्जित लक्षण बन गया जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होती रहती है, तथा परिणाम स्वरूप लंबी गर्दन वाले जिराफ की वर्तमान जाति विकसित हुई, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने भाई साहब बताया उपार्जित लक्षण, ठीक है, अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग, या फिर आपको इसी को बोलते हैं उपार्जित लक्षण। उपार्जित लक्षण का मतलब क्या होता है, कि लक्षण, किसी लक्षण को एडॉप्ट किया गया, उपार्जित लक्षण, एडॉप्ट नहीं, सॉरी सॉरी, एडॉप्ट गलती हो गई, उपार्जित लक्षण मतलब उसके उपयोग से धीरे धीरे वो जो है वो जो चीज थी वो वंशागत हो गई, ठीक है।
ये है उपार्जित लक्षण। और डार्विन का एक सिद्धांत था जिसको बोलते हैं प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया देखो देखो, जो जिराफ थे वो दो थे, एक छोटी गर्दन एक लंबी गर्दन। छोटी गर्दन वाले जिराफ घास फूस खाया करते थे और लंबी गर्दन वाले जिराफ क्या करते थे, आपका पेड़ों की टहनियों पे पत्तियां खाया करते थे। वातावरण के परिवर्तन हुआ, पूरी घास क्या हो गई, नष्ट हो गई। जब पूरी घास नष्ट हो गई तो इन जिराफ को सिर्फ और सिर्फ ऊपर की टहनी खानी पड़ी, तो जो ऊंची गर्दन वाले जिराफ थे वो बचे रहे और जो छोटी गर्दन वाले जिराफ थे वो मर गए, ठीक है। ये इन्होंने बताया किसमें, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत में। इनका सिद्धांत बहुत फेमस है, नेचुरल सेलेक्शन, ठीक है, नेचुरल सेलेक्शन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, ठीक है। क्या है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। तो इनके हिसाब से क्या था, इनके हिसाब से जो जिराफ था उसका एग्जाम्पल बिल्कुल अलग था और लैमार्क के हिसाब से बिल्कुल अलग था। लैमार्क ने बोला कि अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग से। लैमार्क ने एक एक एग्जाम्पल और दिया था, एक और बताया था, वो था सांप के बारे में। बोला सांप की टांग जो पैर थी वो पहले लंबी हुआ करती थी, बड़ी हुआ करती थी, तो उसको बिल में छुपने के लिए क्या था, उसको कठिनाई होती थी। तो सांप ने क्या किया, अपनी टांगों के प्रयोग को कम कर दिया, है ना, टांगों के प्रयोग को कम कर दिया। धीरे धीरे क्या हुई, वो टांग उनसे विलुप्त हो गई, ठीक है, क्या हो गई, वो धीरे धीरे वो टांग उनसे विलुप्त हो गई। डन, बताइए, यही चीज यहां पर बताया गया। डार्विनवाद क्या, देखिए, तो डार्विन के अनुसार तत्कालीन समय में जिराफ के पूर्वज दोनों प्रकार के थे, क्या थे, दोनों प्रकार के थे, ऊंची गर्दन छोटी गर्दन, ठीक है, अर्थात छोटी गर्दन वाले भी थे और लंबी गर्दन वाले भी थे। इसमें गर्दन की अलग अलग लंबाई वंशागत थी, ठीक है, यानी कि जो छोटी गर्दन वाले जिराफ थे वो जब बच्चे पैदा करते थे तो उनके बच्चे भी छोटी गर्दन वाले ही हुआ करते थे, है ना, और जो लंबी गर्दन वाले थे वो जब बच्चे पैदा करते थे लंबी गर्दन वाले जिराफ पैदा होते थे, ठीक है। तो इनकी लक्षण क्या थी, इनकी लक्षण, इनकी गर्दन की जो लक्षण थी वो वंशागत थी, गर्दन की लंबाई जो थी वंशागत थी। वातावरणीय परिवर्तन के कारण दोनों प्रकार के जिराफों के जीवन संघर्ष का सामना करना पड़ा, ठीक है। दोनों, जब वातावरण में परिवर्तन हुआ तो छोटी गर्दन वाले और ऊंची गर्दन वाले दोनों जिराफ को क्या हुआ, संघर्ष का सामना करना पड़ा, जिससे लंबाई लंबी गर्दन वाले जिराफ विजयी हुए, लंबी गर्दन वाले जिराफ जीत गए, क्योंकि वो पेड़ की टहनियों को आसानी से खा सकते थे, इसलिए वो जिंदा रहे, जीत गए। प्राकृतिक वरण के फल स्वरूप लंबी गर्दन वाले जिराफों की संतति में वृद्धि हुई तथा छोटी गर्दन वाले जिराफ धीरे धीरे लुप्त हो गए। इस प्रकार लंबी गर्दन वाले जिराफों की वर्तमान जाति विकसित हुई, ठीक है, इसी प्रकार लंबी गर्दन वाले जिराफों की वर्तमान जाति विकसित हुई, ये बताया डार्विनवाद ने, ठीक है। तो डार्विन का सिद्धांत कौन सा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ डार्विन का सिद्धांत कौन सा है, तो आप बता देंगे कि भैया डार्विन का सिद्धांत है, ये देखिए, एक्वायर्ड करेक्टर का एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपके पास, ये देखिए, एक्वायर्ड करेक्टर, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं उपार्जित लक्षण, ठीक है। तो पहले इनकी गर्दन क्या थी, छोटी थी, ये देखो छोटी थी, फिर इनने क्या किया, उचक उचक के खाना शुरू किया, क्या किया, उचक उचक के खाना शुरू किया, फिर इनकी गर्दन क्या हो गई, धीरे धीरे लंबी होती गई, धीरे धीरे लंबी होती गई, और न्यू स्पीसीज जो नई जाति बनी उनकी गर्दन लंबी है, ठीक है। यहाँ पे देखो पेरेंट्स हैं, एक लंबी गर्दन वाले हैं एक छोटी गर्दन वाले हैं, छोटी गर्दन वाले हैं, यहाँ पर क्या हुआ, स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस हुआ, एग्जिस्टेंस हुआ, ठीक है, यानी कि रहने के लिए स्ट्रगल हुआ, ठीक है। प्राकृतिक चयन, प्रकृति जो होती है, जो नेचर होता है, वो चयन करता है कि किसको यहाँ पर रहना है किसको नहीं रहना है, तो वही यहाँ पर हुआ, ठीक है, प्राकृतिक चयन हुआ। प्रकृति ने क्या किया, तो प्रकृति ने प्यारे बच्चों चयन किया, ठीक है, प्रकृति ने चयन किया, ठीक है, और चयन किया, घास नष्ट कर दिया, जो छोटी गर्दन वाले थे वो मर गए और जो बड़ी गर्दन वाले थे, न्यू स्पीसीज कौन सी थी, लंबी गर्दन वाले थे, जो आसानी से पेड़ पौधों की टहनियों को खा सकते थे, ठीक है। यही है आपका लैमार्कवाद और डार्विनवाद, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाता है, ठीक है, इससे ज्यादा क्या होता है प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं पूछा जाता है।
ठीक है, जैसे ये यहाँ पर आपने देखा, ठीक है, अगर हम आपको दिखाएं तो आपने ये देखा, ठीक है, ये लैमार्कवाद है। लैमार्क ने बताया कि जो छोटी गर्दन वाले थे, इन्होंने अपनी गर्दन, अपने अंग का उपयोग करना शुरू किया, धीरे धीरे उपयोग किया, और उनकी गर्दन क्या हो गई, उनकी गर्दन लंबी हो गई, ठीक है। और जो यहाँ पर डार्विन ने बताया कि दो प्रकार के थे, एक ऊंची गर्दन, एक छोटी गर्दन, ठीक है। जो ऊंची गर्दन वाले थे वो क्या करते थे, वो लगातार पेड़ की टहनियों को खाने का प्रयास करते थे, जिसकी वजह से उनकी गर्दन क्या हो गई, तो जिसकी वजह से उनकी गर्दन, प्यारे बच्चों, छोटी हो गई, ठीक है। बताइए, क्लियर है? जिराफ का, जिराफ मेरे को नहीं दिख रहा, मेरे को जिराफ देखना है भाई, आज मेरे को जिराफ अच्छे से देखना है ना। लैमार्कवाद का जिराफ, जिराफ का ये देखो, देखो मेरा प्यारा जिराफ, है ना। ध्यान से इस चीज को देखिए, ध्यान से इस चीज को देखिए। लैमार्क ने क्या दिया, अगर हम बात करें लैमार्क की, तो लैमार्क ने हमें बताया कि उपार्जित लक्षण अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग से क्या होता है, लक्षण क्या होते हैं, एक्वायर्ड होते हैं, लक्षण मिलते हैं। अगर आप एक किसी अंग को ज़्यादा उपयोग करेंगे तो वो अधिक विकसित हो जाएगा, और किसी अंग का उपयोग करना कम कर देंगे तो वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा, ठीक है। ये बताया लैमार्क ने, ठीक है। तो जो लैमार्किज्म है, लैमार्किज्म, ठीक है, जिसको बच्चों बोलते हैं लैमार्कवाद, क्या बोलते हैं, लैमार्कवाद। तो इसमें इन्होंने बताया कि गर्दन इनकी छोटी थी, पेड़ की टहनी को खाने के लिए ये उचके, पैर भी इनके क्या थे, छोटे थे, ठीक है। पेड़ की टहनी को खाने के लिए उचके इन्होंने अपनी गर्दन को क्या किया, बड़ा किया, बढ़ाया, और ऐसे पेड़ को उचक उचक के खाने लगे, उचक उचक क्या करे, खाने लगे। धीरे धीरे क्या हुआ, इनकी गर्दन में क्या हुआ, विकास होने लगा। ये देखो इसके मुंह में वो भी है, क्या है, पत्ती, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे 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 इनकी गर्दन लंबी हो गई, और इनके पैर, आगे अगली टांग भी लंबी हो गई, ठीक है। ऐसा सेम एग्जाम्पल ही इन्होंने सांप पर दिया कि पहले सांप के पास पैर होते थे, ठीक है, अब सांप के पास पैर नहीं होते। बोलो क्यों, बोलो क्यों नहीं होते, क्योंकि सांप ने क्या किया, अपने पैरों के उपयोग को कम कर दिया, क्योंकि उसके पैर उसके लिए हानिकारक होते थे, ठीक है। वो जब उसमें छिपता था ना, बिल में घुसता था, तो घुसने नहीं देते थे, लड़ जाते थे, तो उसने अपने पैरों के उपयोग को कम किया। धीरे धीरे क्या हुई, उसके पैर विलुप्त हो गए, नष्ट हो गए, ठीक है, ये बताया। लेकिन डार्विन साहब का कहना था हमारे, तो डार्विन साहब का हमारे कहना था कि भाई देखो ऐसी बात नहीं है, ठीक है। डार्विन साहब बोले कि भाई देखो, दो प्रकार के जिराफ पाए गए इस पृथ्वी पर, ठीक है, एक छोटी गर्दन और एक लंबी गर्दन, ठीक है, क्या बोले, एक छोटी गर्दन और एक लंबी गर्दन, डन। चलो भाई, तो देख लिया आपने, बहुत मौज मस्ती कर ली अब, ठीक है। तो आपने क्या देखा, लैमार्कवाद को देखा, आपने डार्विनवाद को देखा, ठीक है। तो डार्विनवाद में डार्विन का एक जो है एग्जाम्पल है, ठीक है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, तो बोलता है प्रकृति चयन करती है किसको रहना है किसको नहीं रहना है। तो उदाहरण में इन्होंने किसका एग्जाम्पल दिया, तो इन्होंने प्यारे बच्चों जिराफ का भी एग्जाम्पल दिया, ठीक है, इन्होंने जो है मॉथ्स का एग्जाम्पल दिया, मॉथ शलभ का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, शलभों का उदाहरण भी दिया इसमें, ठीक है। डार्विन का नेचुरल सेलेक्शन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, बहुत फेमस एग्जाम्पल है, जिसको बोलते हैं क्या, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में आखिरकार डार्विन ने बताया क्या, ठीक है, देखिए इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में बताया, इसको थोड़ा सा बता देते हैं, बाकी हम लोग कल इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में डार्विन ने हमें यह बता दिया कि भैया
कॉल आया था क्या भाई? हाँ, बताया कि भैया देखो, इंडस्ट्री के पहले जो सफेद कलर के सलब थे, व्हाइट मॉथ थे, उनकी संख्या अधिक थी, और इंडस्ट्री के बाद जब इंडस्ट्री आई तो क्या हुआ, पेड़ की जो पेड़ था उसकी जो तना था वो काला हो गया इंडस्ट्री के धूल की वजह से, जिसके वजह से क्या हुआ, जो सफेद सलब थे वो दूर से ही दिखते थे और जो कीट थे उनका शिकार कर लेते थे। ठीक है, तो इंडस्ट्री के बाद उन सफेद सलबों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, ठीक है, बताइए, ये चीज इन्होंने बताया इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में। तो अब हम आपको बता दें बच्चों कि देखिए, आपने यहां तक वीडियो को देख लिया है, बहुत अच्छी बात है। अब आपको क्या करना होगा, और भी वीडियोस को देखने के लिए प्यारे बच्चों प्लेलिस्ट पर जा करके देखना होगा। ठीक है, प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन पर मिलेगी, नहीं तो आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, वहीं पर सभी वीडियो आपको मिलेंगे। ठीक है, फुल लेक्चर, फुल चैप्टर वीडियो वहां पर आपको मिलेंगे। ठीक है, फुल चैप्टर वीडियो मिलेंगे। ठीक है, और आपको क्या मिलेंगे, और आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आपको वीडियो वहीं पर भी मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए 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 आप सभी को बता दें कि जो ये प्लेलिस्ट है ना, इसको देखना ही पड़ेगा। ठीक है, वहां पर देखना पड़ेगा बच्चों, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा, पढ़ाते रहिएगा, सीखते रहिएगा, और सभी को सिखाते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विश यू ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, थैंक यू।